चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हर महीने की चौथ में जो कहानी सुनी जाती है, आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ का व्रत करते हैं। इस दिन गणेश जी और माता चौथ का पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य दे के ही खाना खाया जाता है। कुछ महिलाएं साल की जो चार चौथ बड़ी चौथ आती हैं वो करती हैं, लेकिन आज भी बहुत सी माताएं बहनें हैं जो महीने की चौथ का व्रत करती है। तो हर महीने की चौथ का जो व्रत किया जाता है उसमें जो कहानी सुनी जाती है, आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य में एक कुमार था, वह घड़े बनाता और बेचता था, लेकिन एक बार उसके साथ एक हादसा हुआ। कुमार जब कच्चे घड़े आव में पकाने लगा तो घड़े आव में पके नहीं। उसने कई बार आव लगाया लेकिन हर बार घड़े कच्चे ही रह जाते थे। उसने राजा के पास जाके फरियाद लगाई। राजा ने अपने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और इन सब का कारण पूछा। तब सभी ज्योतिषियों ने कहा कि राजा, राज्य पर संकट गहरा रहा है। माता अग्नि को प्रसन्न करने के लिए हर महीने आव में एक बच्चा बैठाना पड़ेगा। तब राजा ने हर घर में से एक बच्चा चुनता और उस कुमार के आव में बैठा दिया जाता था। बेचारी प्रजा क्या करती, राजा का जो आदेश होता था उसे मानना ही पड़ता था। पूरी प्रजा दुखी रहने लगी। इस बार जब कुमार ने आव लगाया तो एक बुढ़िया के बेटे का नंबर आ गया। बुढ़िया हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। उस दिन महीने की चौथ का व्रत था। बुढ़िया माँ ने पहले तो राजा से फरियाद लगाई कि उसका इकलौता सहारा बच्चा है, वो ऐसा ना करे, लेकिन राजा ने आदेश का पालन न करने का मतलब फांसी की सजा था। तो बुढ़िया वापस घर आ गई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा ये सुपारी, गेहूं के ज्वारे, चार दाने गेहूं और गुड़ पोटली में बांध कर दिए और कहा कि बेटा जब तुम आव पर बैठो तो माता संकट चोट माता का जयकारा लगाकर बैठ जाना, तुम्हें ताव नहीं लगेगा। और ऐसा ही हुआ, पूरा आव लगकर खत्म हो गया और उस बुढ़िया के बेटा को कुछ भी नहीं हुआ। वह जिंदा वापस बाहर आ गया और उसके साथ वो सभी बच्चे जो उस आव में बैठकर जल गए थे, वे सब भी बच्चे वापस जिंदा बाहर आ गए। और इस बार घड़े भी पक चुके थे। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस बुढ़िया से इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बताया कि राजा जी, मैं हर महीने चौथ का व्रत करती हूँ और साथ ही कहानी सुनती हूँ, यह सब उसी का फल है। तब राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि राज्य में हर महीने की चौथ का व्रत किया जाएगा, कहानी सुनी जाएगी और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाना खाया जाएगा। और राजा ने अपने राज्य में एक बहुत विशाल चौथ माता का मंदिर बनवा दिया। तो हे चौथ माता, जैसे आप उस बुढ़िया के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। तो आज मैंने आपको महीने की चौथ की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई, धन्यवाद।